हेलो गाइस, कैसे आप लोग। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और देखिए बहुत सारे टेक्निकल्स वीडियोस। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई है MSCIT टाइपिंग वालों के लिए। टाइपिंग वालों का कहना है कि एन कंप्यूटिंग जो कार्ड है उनका वो एक्सपायर हो चुका है, तो अभी क्या किया जाए। तो दोस्तों, आप एन कंप्यूटिंग खरीद सकते हैं फिर से, या डायरेक्टली आपके पास अगर 5 CPU होंगे या 6 CPU होंगे, जितने भी CPU होंगे आप उससे कनेक्ट करके उस पर डेमो चला सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्विच लगेगा। ये स्विच दोस्तों 700 रुपये में मिलता है 8 पोर्ट का। इससे 8 CPU कनेक्ट हो जाती है। 8 CPU मतलब 8 CPU एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं और उस पर डेमो चल जाएगा। तो आपको एक स्विच खरीदना है, 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा। तो इसमें 8 पोर्ट है दोस्तों, 5 पोर्ट वाला मिलता है, 8 वाला मिलता है और 16 वाला। और ये जो केबल है इथरनेट केबल, ये आप बनवा लो दोस्तों। 5 CPU तक पहुँचेंगी, इतनी लंबाई होनी चाहिए उनकी। तो ऐसे आपको 5 या जितने CPU होंगे उतनी इथरनेट केबल लगानी होंगी। तो पहली इथरनेट केबल जो है मैं CPU में लगाऊंगा और उसका एंड उस स्विच में लगाऊंगा जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं। और उसका जो पावर केबल है उसे मैं बोर्ड में स्विच कर दूंगा। देखिए, उसको भी पावर मिलनी चाहिए उस बॉक्स को। इसके लिए उसको भी आपको इस बॉक्स में क्लिक करूँगा। अभी मैं देखो, अभी ये लगा दिया और पावर ऑन कर दिए। तो अभी मैंने 5 CPU लगाए, 5 CPU के लिए 5 ईथरनेट केबल। तो अभी ये सेकंड वाला की ईथरनेट केबल, उसको भी मैं उसका लास्ट पॉइंट जो है वो CPU में लगा दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे उसका स्विच होगा। अभी यहाँ पे वो मैंने फिक्स किया है। ऐसे मैंने 5 CPU को 5 जोड़ा है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। देखो, 5 केबल्स है और ये 5 केबल्स सब पहले वाले में जा रही है, केबल पहली वाली, और बाकी जो 4 है वो 4 जगह जा रही है। ये पहली वाली यहाँ पे है, उसमें लाइट भी लगता है दोस्तों। उसके बाद ये 4 अपने अपने जगह गई है। देखो, स्पेशल CPU है दोस्तों, वहाँ लगा दिए। अभी ये रहा सेटअप। और उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। उसमें सभी में IP एड्रेस बदलना होगा। तो IP एड्रेस कैसे बदला जाए, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के एंड में दी है, उसे देखना ना भूलिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो।